Claro. Legendary. Beautifully shot at the mid-wicket boundary line. Six out, wonderful six. What a lovely shot. What a performance. Beautifully, another six out. Belum bhai, aap udhar hi jao bhai. Koi baat nahi. बहुत खूबसूरत स्ट्रोक गेंद के पीछे खिलाड़ी मगर एक रन यहां पर पूरा किया है का कौरव से बड़ी गलती वहां पर मगर बहुत ही सुरक्षित के ऊपर से जो छक्के थे वो देखने लायक थे कमाल के थे गजब के थे पूरी तरह से आक्रामक मोड में है बॉलर्स को थोड़ा बच कर रहना होगा स्लॉग ओवर्स में इस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर फिर से हिट करना चाहते थे मगर इस बार बहुत ही चतुराई से की गई थी गेंद जिसका डॉट बॉल कराने में कामयाब हो गए थे मैंने कहा कि अगर जय मां कालिंग का स्पोर्ट्स क्लब की टीम 100 के अपार पहुंचती है तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिल सकता है गेंद यहाँ पर बेहतरीन शॉट फील्डर वहां मौजूद मगर कोई फायदा नहीं चार रन क्या बेहतरीन प्लेसमेंट क्या टाइमिंग बड़ा शॉट था काउ कॉर्नर और लॉन्ग हॉप का फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंद सीधे चार रन के लिए 100 रन चौके से और पूरा वहां जय मां कालिंगा स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी डगआउट में 100 रन का जैसे पूरे हुए तालियों से गूंज रहा है विनायक मार का खूबसूरत स्टेडियम बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी लोकेश की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम क्लीन शॉट पावरफुल शॉट आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं और इस वक्त मुझे लगता है कि लोकेश को ये बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है जहां भी चाह रहे हैं स्ट्रोक्स ले रहे हैं कदमों का इस्तेमाल किया मगर इस बार थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए फिर भी एक रन तो मिल ही गया है ओवर थ्रो के रन मिल सकते हैं तोहफे में मिल रहे रन एक दो रन पूरे कर ले जाएंगे बहुत बड़ी गलतियां यहां हो रहे हैं बॉडी लाइन 102 रन अब केवल 12 गेंदें बची हैं और 4 विकेट सुरक्षित हैं और काफी खुश लग रहे होंगे बाएं हाथ से बढ़िया शॉट इस बार हल्के हाथों से खेल कर एक रन चुरा लिया दोनों ही खिलाड़ी ने बहुत ही फूर्ती मतलब के ये जानदार और शानदार खिलाड़ी एक बार फिर तैयार होते हुए बढ़िया शॉट कवर के बीच में से खेला है मगर खिलाड़ी मौजूद है एक रन और फिर से दूसरे के लिए पलट रहे हैं दोनों बल्लेबाज जी हाँ बहुत फूर्ती के साथ दो रन हो रहे हैं पूरी आक्रामक मोड में है तो करण के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं लोकेश इस बार फिर से खेल दिया हवा में मगर खिलाड़ी वहां पर मौजूद एक रन पूरा किया है दूसरे के लिए कॉल की जा रही है और करी तो लिए है बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट लोकेश और विकास और मिड विकेट के ऊपर से वो शॉट तो देखने लायक थे कद्दू का इस्तेमाल कवर और रक्षक कवर के बीच में से खिलाड़ी मौजूद है एक ही रन मिलेगा मगर फिर दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं थी बहुत ही शानदार सामने है विकास वो भी चाहेंगे कुछ बड़े शॉट लगाने के इस बार योग के लिए बिखर गई जी हाँ बहुत ही बढ़िया चतुराई से की गई थी गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर थी और उसको अक्रॉस द लाइन जाकर उठाकर मारना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और सीधे करण सिंह ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की अपनी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने बहुत ही सर के ऊपर से गेंद जाते हुए बहुत ही खूबसूरती से सीधे बॉलर के सर के ऊपर ही खेल दिया और जब इस तरह का स्ट्रोक्स अगर कोई खिलाड़ी ये काम महंगा ओवर साबित हुआ 14 रन इस ओवर से आए 14 ओवर की समाप्ति के बाद 14 ओवर की समाप्ति के बाद इसको 112 सूरत स्टेडियम पर मुकाबला चल रहा है परवीन एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बहुत ही इसे मगर भाव मौजूद है और उनके हाथों में गेंद चली गई और इस बार संपर्क सही नहीं जैसे कि मैंने कहा इन चौकियों थे इस तरह से एक बल्लेबाज किस तरह का रवैया बनाएंगे दिलचस्प होगा ये 5 गेंदे दर्शक पूरी तरह से मजा ले रहे हैं मुकाबले का इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट पॉइंट की तरफ भी खेला और कवर और पॉइंट के बीच में से दो रन यहां पर भाग कर पूरे किए दोनों ही खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट 114 रन बसंत कुंज के खूबसूरत स्टेडियम पर एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल बॉलर के सर के ऊपर से खेला मगर मात्र एक ही रन से संतुष्ट होना होगा दूसरे के लिए कॉल की जा रही खतरा हो सकता है मगर देखना पहुंच पाता नहीं बहुत ही फुर्ती के साथ पहुंच लिया दो रन और होगा क्योंकि दोनों ही टीमें जैसे मैंने कहा कि विजेता और उपविजेता के बीच ये महा मुकाबला चल रहा है क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है काफी महत्वपूर्ण और यहाँ पर बल्ले का किनारा अंदरूनी
का सिलसिला शुरू करना है और चौके छक्के से ही पसंद करेंगे मुझे लगता है। बहुत ही खूबसूरती खेलती हुई और सीमा रेखा के रोलेंगे, बड़े खिलाड़ी हैं इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही आक्रामक शैली के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार मिड विकेट की दिशा में मोड़ा है, एक रन पूरा किया है, दूसरे के लिए कॉल की जा रही है, देखना पूरा उपाता नहीं, बहुत मुश्किल आ रहा हूं। तो इस तरह से 15 ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी कि पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है और जय मां कालिंगा स्पोर्ट्स क्लब ने निर्धारित अपने 15 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाया और टोटल 123 रन का लक्ष्य दिया है पौड़ी लायंस की टीम को। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, जय मां कालिंगा स्पोर्ट्स क्लब।